मनु डायरी लेके आ। डॉक्टर साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मिथिलेश के मैंने सारे चेकअप कराए और सभी ओके हैं, फिर भी इसकी हालत दिन पर दिन इतनी बिगड़ती क्यों जा रही है? देखिए दीक्षित साहब, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इनकी जो बीमारी है वो मानसिक है, शारीरिक नहीं है। इन्हें अपने बेटों की बहुत याद आती है, ये अपने बेटों को मिस करती हैं। जब तक आप उन दोनों को नहीं बुलाएंगे, इनकी हालत में कोई सुधार नहीं होगा। अब आप ही बताइए, दवा क्या कर देगी जब वो अंदर से ही सही ना होना चाहे? आइए बैठिए। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, 5 साल से बच्चों की शक्ल तक नहीं देखी है। अमेरिका में ये मल्टीनेशनल में नौकरी क्या मिली? अरे बच्चों को तो बिल्कुल बधुआ मजदूर बना दिया। उनकी लीव कभी सैंक्शन ही नहीं होती, बॉस हमेशा लीव डिक्लाइन कर देता है। वैसे बात हुई है, वो आएंगे और मुझे भी उम्मीद है कि वो जरूर आएंगे। देखिए दीक्षित साहब, मैं आपका फैमिली डॉक्टर होने के नाते आपको एक सलाह देना चाहूंगा। आप जितनी जल्दी अपने बच्चों को बुला लेंगे, उतना ही इनके लिए अच्छा होगा, उतनी ही उनकी हालत अच्छी हो जाएगी। आप इतना काम कर लें, बच्चों को जल्दी से जल्दी बुला लें, और जो मैंने आपको दवा लिख के दिए ना, वो आप मंगवा लेना। अच्छा अब मैं चलता हूँ। जी मिथिलेश। चिंटू बेटा आ गया तू, पिंटू को नहीं लाया? मिथिलेश, मिथिलेश मैं हूँ। अरे उनसे बात हो गई है, बेटों से जल्दी आ रहे हैं। अरे तुमने दवा ली कि नहीं? नहीं। अरे मिथिलेश, अरे अरे सुनो ना, दवा पी लो वरना वो दोनों मुझे बहुत डांटेंगे। तुम्हारी हालत खराब हो रही है ना, हाँ दोनों मिलके डांटेंगे मुझे। हाँ लो लो लो। चलो साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। बोलो साहब, आजकल का जमाना बहुत खराब है। घर में रहते हुए बच्चे माँ बाप को नहीं पूछते, तो भैया तो विदेश गए हैं, वो कहाँ आ पाएंगे? मनु, मेरे चिंटू पिंटू उनमें से नहीं है। मुझे मेरे परवरिश पर पूरा भरोसा है। हाँ नौकरी के लिए वो विदेश जरूर चले गए हैं, मगर वो आएंगे, जरूर आएंगे। अच्छा जरा मेरा फोन उठा दो, पता करता हूं कब तक आ रहे हैं मेरे बेटे। हाँ हेलो। हाय डैड।
हाँ पिंटू। हाँ बोलिए। पिंटू बेटा, हाँ क्या बना प्रोग्राम? अरे वो तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, बहुत याद कर रही थी तुम्हें। तो कब तक आ रहे हो बेटा? एचआर को मैंने एप्लीकेशन दे दिया है और वो क्या है कि अर्जेंट मीटिंग आ गया है, तो वो मीटिंग अटेंड करके मैं आता हूँ। अच्छा। और क्या है कि हाँ बच्चों को इंडिया देखना है। हाँ बेटा जरा जल्दी आने की कोशिश करना। ओके डैड, मैं पिंटू को भी लेकर आता हूँ डैड। जी ठीक ठीक ठीक। देखा, मेरे दोनों बेटे अपने बच्चों के साथ जल्दी आने वाले हैं। कर्नल दीक्षित के बेटे दुनिया के और बेटों से एकदम अलग हैं। जी जी। बंटी, मैडम को मरे हुए 2 दिन हो गए, आखिर लाश कब तक फ्रिज में रहेगी? ज्यादा समय हो गया लाश खराब होना शुरू हो जाएगी। हाँ वैसे अंकल जी को लड़के को अब तक तो आ जाना चाहिए। अरे भाई, उनका आना होता तो आ जाते, माँ की बीमारी में नहीं आए, लाश खराब ही हो रही है। अब आप ही जाके समझाइए दीक्षित अंकल को। मैं करता हूँ। भाई साहब 2 दिन हो गए, बच्चों को अगर आना होता तो अब तक आ जाते, भाभी जी की मिट्टी क्यों खराब कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो आएंगे, मेरे बच्चे वैसे नहीं हैं, और फिर बड़ा बेटा ही तो दाग देगा ना, तभी तो इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। साहब चिंटू भैया आ गए। चिंटू, मां तुम दोनों का इंतजार करते करते चली गई, आखिरी समय तक बस तुम दोनों का ही नाम लेती रही। चलो तुम दोनों आ गए, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। वो पिंटू कहां रह गया? पिंटू कहां रह गया? अरे क्या मेरे डर के कारण नहीं आ रहा है क्या? मनु जाओ उसको लेकर आ जल्दी। अरे जाओ ना। पापा मेरी बात सुनिए। क्या? अरे तू फिर अकेला आ गया, जाना पिंटू को लेके आना। पापा वो नहीं आए, कोई नहीं है बाहर। नहीं आया मतलब? अरे अरे वो तो बड़ा बेटा है ना, मां की चिता को आग वही देगा ना। ठीक है कोई बात नहीं, तू उसे फोन लगा और कह जल्दी आ, तेरी मां एक दिन और इंतजार कर लेगी। अरे खड़ा क्या है, फोन लगा ना। मनु जा मेरा फोन उठा कर ला। जी जी साहब। लीजिए साहब।
सुनिए ना, वो नहीं उठाएंगे फोन। पापा मेरी बात सुनिए ना आप, वो नहीं उठाएंगे फोन। हम दोनों में म्यूचुअली डिसाइड हुआ था। क्या डिसाइड हुआ था? कि माँ के टाइम पर मैं आ गया और आपके टाइम पर वो आ जाएंगे। और देखिए जो भी है जल्दी कीजिए, मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है, आज रात में मेरी फ्लाइट है। सुनिए आप लोग प्लीज जल्दी कीजिए यार, मोनू जाओ। पांच मिनट रुकना, फिर मां की क्रिया शुरू करना। सुनिए आप लोग भी प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, आज शाम को मेरी फ्लाइट है। मोनू प्लीज थोड़ा जल्दी करो। चिंटू ऐसा कैसा बिजनेस, तुम्हारे पास माँ की अर्थी के लिए भी टाइम नहीं है। माँ है तुम्हारी माँ, शरम आना चाहिए। साहब पापा मैं जय नारायण दीक्षित, जिसके परिवार ने देश और समाज की सेवा में अपनी सारी पीढ़ियां लगा दी, रिटायर होने के बाद भी देश की और समाज की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर आज मैं हार गया। मैंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, सुख सुविधाएं दी, पर मैं संस्कार देने में चूक गया। जिस मां ने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखा, उसके पास आज अपने मां के अंतिम संस्कार में आने का भी समय नहीं है। मेरी जायदाद को सैनिक कल्याण बोर्ड, मेरे नौकर और वृद्धा आश्रम को बराबर बराबर बांट दिया जाए। मिथिलेश की देखभाल और अंतिम क्रिया के लिए तो मैं था, मेरी अंतिम क्रिया पर कौन आएगा? पता नहीं उस समय मेरे बेटों के पास मेरे लिए समय होगा या नहीं। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी लाश को भी मिथिलेश की लाश के साथ जलाया जाए। Thank you.